हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट टॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की ऑफिशियल रूल बुक अनाउंस कर दी गई है, यहाँ पे ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है, वेबसाइट पर आ गई है। यहाँ पे 5,670 पदों पर यहाँ पे भर्ती होने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पे बीएड रनिंग वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता क्या क्या मांगी गई है, यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ और क्या मांगा गया है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं लास्ट में बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक और आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं और रूल बुक मेरे सामने है, मैं आपको पूरी यहाँ पे डिटेल्स बता देता हूँ क्या क्या मांगा गया है। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 28 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भर सकते हो आप वर्ग 2 के। ये ऑलरेडी भी बता चुका हूँ लेकिन दोस्तों फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। और इससे जो एग्ज़ाम है वो 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप 19 जनवरी से इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर फीस की बात कर ले तो 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और यहाँ पर 2 पाली में एग्ज़ाम होगा आपका, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 9 बजे से 11:30 तक पहला एग्ज़ाम और 2 बजे से 4:30 तक दूसरा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स काफ़ी रखे गए हैं, तो आप अपनी चॉइस चुन सकते हैं जो आपको सही लगे। चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई है, तो चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ माध्यमिक शिक्षक के 5,670 पदों पर भर्ती है और वेतनमान की अगर बात कर ले तो 32,800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पर आपको दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट जो है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे काफ़ी तरह की योग्यताएं हैं, तो बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो को जरूर देखें। अब माध्यमिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा और तथा उसके समकक्ष होना चाहिए, या फिर दोस्तों संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी बीएड। इसके अलावा दोस्तों, अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियावृद्धि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड, या फिर दोस्तों अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक यानी बीएलएड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीए बीएससी बीएड या फिर बीएड बीएससी बीएड, अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विशिष्ट शिक्षा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक नोट दिया है, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजनों अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और दिया गया है, संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। अब दोस्तों, यहाँ संस्कृत पाठशाला के लिए यहाँ पर ये योग्यता रहेगी। अब यहाँ पर पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम कितने अंक आपको होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर पदनाम माध्यमिक शिक्षक जो अदर कैटेगरी से जनरल की जो कैटेगरी है उसको 60% चाहिए और जो बाकी अदर कैटेगरी जितनी भी सभी को 50% यहाँ पे अंक चाहिए। अब चलिए चलते हैं दूसरी बात पर, यहाँ पे एज कैटेगरी देख लेते हैं दोस्तों। तो न्यूनतम आपकी 21 वर्ष एज होना चाहिए और जो अधिकतम एज है वो दोस्तों यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष होना चाहिए, महिला के लिए 45 और पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक को 45 वर्ष और पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति को 45 वर्ष तक की अधिकतम आयु यहाँ पे दी गई। अब दोस्तों, ऐसे लोग जो अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है, उनकी अधिकतम आयु यहाँ से दोस्तों 49 होगी मेल कैटेगरी के लिए, 54 हो जाएगी फीमेल कैटेगरी के लिए और दोस्तों 54 हो जाएगी आपकी पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के लिए। अब दोस्तों, दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पे 45 वर्ष आयु है और दोस्तों
54 वर्ष अतिथि शिक्षकों के लिए लेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को प्राप्त होगा और जिला चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिव्यांगजनों का आरक्षण में लाभ मिलेगा। अब दोस्तों इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या गए हैं, सब्जेक्ट्स में किस तरह का आपका सिलेबस आने वाला है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिन तथा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में कार्य कर चुके हैं, उच्चतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। ये छूट खंडिका 9.2 तालिका के कॉलम में अंतर्विष्ट की, तो जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ आरक्षण के बारे में बता देता हूँ। रिक्त पदों के प्रत्येक वर्ग तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं जनरल कैटेगरी जो है अनरिजर्व कैटेगरी, उन लोग के यहाँ पे क्या है, महिलाओं के लिए 50% दोस्तों यहाँ पे छूट दी गई है, यानी 50% जो सीट है वो महिलाओं की रहेंगी। इसके बाद दोस्तों 6% पद जो रहेंगे वो दिव्यांगजन के लिए रहेंगे, उसका 10% पद जो रहेंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक भोपाल दिनांक 5 जून 2018 के निर्देश में दी गई व्यवस्था से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु सक्षम स्तर से छूट प्राप्त की गई है। अतः संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्ष से कोई आरक्षण का प्रावधान इन नियुक्तियों के लिए लागू नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध रिक्तियों में 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 25% जो जो अतिथि शिक्षक है उन लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्व कर दी गई हैं सीट्स। 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 6% दिव्यांगजन के लिए, 50% महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा दोस्तों नोट एक और है। जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, बुरीन, ग्वालियर, अशोकनगर की सहरिया, सहरिया आदिम जनजाति जिला, मंडला, निंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, ये सभी दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ। आवेदक के द्वारा विनिष्ठ विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ तथा शिक्षण परीक्षण योग्यता धारित करने तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने पर रिक्त पद की उपलब्धता होने पर माध्यमिक शिक्षक के पद पर सीधे नियुक्त किया जा सकेगा। रिक्त पद के विरुद्ध में एक से अधिक इसी प्रवर्ग के आवेदक आवेदन करते हैं तो पात्रता परीक्षा में जिससे अंक अधिक हैं उससे आवेदक का चयन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है सीधा सीधा। अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सिलेबस में क्या क्या मांगा गया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ आपको परीक्षा केंद्र कौन कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 20 केंद्र बनाए गए हैं, इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, कटनी, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, सिवनी, खरगोन, टोटल 20 जिले यहाँ पर परीक्षा केंद्र के लिए उपलब्ध हैं। अब दोस्तों यहाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा। तो पात्रता परीक्षा में 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा साथ यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे आपके। भाषा लैंग्वेज 1 रहेगी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा। अब ये भी कंपलसरी रहेगा दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। अब लैंग्वेज 2 रहेगी, ये भी कंपलसरी है आपका, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा रहेगी जिसमें भी 30 मार्क्स 30 अंक के रहेंगे। अब 30 क्वेश्चन 30 अंक के रहेंगे। गणित की बात कर ले तो दोस्तों यहाँ सिर्फ जो गणित के शिक्षक हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 60 क्वेश्चन गणित के रहेंगे जो 60 मार्क्स के रहेंगे। विज्ञान के शिक्षक के लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। सामाजिक विज्ञान के लिए भी सेम रहेगा। और दोस्तों मुख्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक फॉर लैंग्वेज टीचर के लिए तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 कैटेगरी आपकी कंपलसरी हैं। इसके अलावा जो आपके एग्जाम से सब्जेक्ट रिलेटेड जो टीचर हैं दोस्तों, जैसे आपका मैथ्स के टीचर हैं, सोशल साइंस के, साइंस के, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आएंगे। अब सब्जेक्ट के वाइज दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल में सिलेबस दिया गया है, किस जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है इसमें क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है, 15 मार्क्स का ही आएगा। और दोस्तों टोटल यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप एमपी परीक्षा नाम से ये ऐप है। दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी ऐप होगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस एमपी परीक्षा में जो भी पीईवी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं सभी के यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आपके 230 रुपये की, लेकिन दोस्तों आप अगर कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं जो LATSEFT जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
SAFT50 लिखते हैं तो ये दोस्तों यहाँ मेरे कूपन कोड से आपको पूरा 50% का ऑफ मिल जाएगा। और दोस्तों ये आप सिर्फ 115 रुपये में टेस्ट सीरीज़ परचेस कर पाएंगे। और दोस्तों जैसा आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस तरह से यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको दोस्तों, पूरे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना होगी जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें। तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल वीडियो में भी आपको देने वाला हूँ बहुत ही जल्दी शाम तक, या फिर दोस्तों कल सुबह तक आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी इस परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के, साथ ही साथ कूपन कोड भी दे दिया है। और दोस्तों आगे आप बताइए किसी तरह का डाउट क्वेरी सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और दोस्तों आप क्या सोचते हैं, बीए ट्रेनिंग वालों को इसमें मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जो आपकी राय है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।